आज हमने बनाया है चिकन आलू शोरबा, बहुत ही टेस्टी बना है। शोरबे की कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखें इतना ये गाढ़ा होना चाहिए, इसके अंदर प्याज बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा। आप लोगों को मैं टिप्स बताती हूँ जिससे हमारे शोरबे के अंदर प्याज बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन आलू शोरबे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप मेरी रेसिपी फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा। हम जो चिकन शोरबा बनाते हैं उसमें अक्सर प्याज जो है नज़र आता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको बड़ा बड़ा मोटा मोटा काट लिया मैंने। कुछ मेरे पास हैं साबुत मसाले हैं, एक तेज पात है, 2-3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, एक बड़ी इलायची है, 4 अदद लौंग है, टमाटर हैं 2 मेरे पास मीडियम साइज के, उसको बारीक बारीक काट लिया है, अदरक और लहसुन है, अदरक को मैंने चॉप कर लिया है, आलू है मेरे पास तकरीबन 4 आलू थे, उसको मैंने बड़े बड़े मोटे मोटे साइज में काट लिया, और 1 किलो मेरे पास चिकन है। देखें जी यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में हम प्याज डाल देंगे, हम मसाला जो है प्रेशर में रेडी करेंगे, इससे मसाले अच्छी तरीके से हमारा जो गल जाता है प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अदरक और लहसुन है, अदरक को मैंने चॉप कर लिया था, लहसुन हम ऐसे ही डाल देंगे, और तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल के मैं इसको वेट लगवाऊंगी 10 मिनट तक। ये देखें जी प्रेशर में मसाला तैयार करने के बाद मैंने इसे कढ़ाई में डाल लिया है। आप देख रहे हैं प्याज बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। अब इसमें 1/4 कप मैं ऑयल शामिल करूंगी और अच्छे से प्याज की भुनाई करेंगे, साथ ही साबुत गरम मसाले ऐड कर दूंगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से अपना फ्लेवर जो है मसाले में छोड़ दें। साबुत गरम मसाले ऐड करने से चिकन की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी शोरबे में से। आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी शोरबा रेडी होता है इससे। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है, ऑयल जो है इसकी सरफेस पे आ जाता है, फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। देखिए जी मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें चिकन ऐड करते हैं। चिकन ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट, वन टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। गरम मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी चिकन ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसकी मैंने भुनाई की है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से ये मसाला रेडी हो गया है। अब इसके अंदर आलू ऐड करते हैं। आलू चिकन शोरबे में जो आलू हैं वो बड़े साइज़ के ही डाल के इस्तेमाल किए जाते हैं, जो छोटे साइज़ के आलू हम काट के डालते हैं वो सूखी सब्जियों में उसको इस्तेमाल करते हैं। आप भी शोरबे में बड़े साइज़ के ही आलू रखिएगा, इससे ज़्यादा टेस्टी इसका फ्लेवर आएगा। ऐड करने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ ताकि सारे मसाले जो हैं आलू के अंदर भी अच्छे तरीके से रख जाएँ, फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और शोरबा रेडी करेंगे। 5 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1/2 प्याली दही ऐड करूँगी। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर पानी ऐड करने लगी हूँ। पानी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपको शोरबा पसंद है उतना आप पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे पानी में बॉयल आने तक। ये देखें जी 10 मिनट तक मैंने पानी ऐड करने के बाद शोरबे को अच्छे तरीके से कुक किया है, शोरबा हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब सबसे लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला,
मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी साबर सब्ज मिर्चें, दरम्यान में से कट लगाकर मैंने इसको काट लिया। लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सब्ज धनिया। आलू चिकन शोरबा हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, आलू चिकन शोरबा की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही जबरदस्त है। इसका कलर चेक करें, बहुत ही प्यारा है। शोरबा हमारा बहुत ही जबरदस्त रेडी हुआ है। हमने इसको ज्यादा पतला नहीं करना, ना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है, दरमियानी सी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।